दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। व्हाट्सएप तो सब कोई यूज करता है और हम हजारों पिक्चर्स एक दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम कोई भी फोटो को एक दूसरे को भेजते हैं तब उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। 3-4 MB का फोटो कुछ 100 KB का ही बन जाता है। तो ऐसा कोई उपाय है कि हम कोई भी फोटो को जितना MB है उतना MB व्हाट्सएप में भेज पाए? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। देखते रहिए इस वीडियो को। टेक्नोलॉजी टिप्स ट्रिक्स एंड रिव्यूज। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो उसको दबा दीजिए नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब हम कोई भी पिक्चर को व्हाट्सएप में भेजते हैं तब वो कॉम्प्रेस हो जाता है और उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप कोई भी पिक्चर को जितना MB का है उतना MB ही आप भेज पाएंगे। तो काफी सिंपल ट्रिक है और इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और कोई भी चैट को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मजेदार यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखा हूँ। और अगर आपको इस टाइप का टेक्स्ट लिखना सीखना है तो इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी भी पिक्चर को भेज सकते हो कैसे। तो यहाँ पर आपको पिन बटन में जाना होगा जहाँ से आप कोई भी पिक्चर को भेजते हो। और गैलरी में जाके नॉर्मली हम कोई भी पिक्चर को भेजते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी पिक्चर को जितना MB का है उतना MB का ही भेजना चाहते हो तो आपको गैलरी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सिलेक्ट करना है पहला वाला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, वहाँ पर। तो देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज अदर डॉक्स, तो आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्लाइड करना है और जहाँ पर आपका पिक्चर है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका गूगल फोटोज में है तो गूगल फोटोज सिलेक्ट कीजिए, या फिर अगर आपको गैलरी है तो गैलरी सिलेक्ट कीजिए। तो मेरा इमेजेस में है तो मैं इमेजेस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोई भी इमेज को मैं जाता हूँ और कोई भी इमेज को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि मेरा जो पिक्चर का साइज है JPG फाइल है और इसका साइज है 1.7 MB और ये 1.7 MB पूरा का पूरा सेंड हो रहा है। और आप सिर्फ पिक्चर ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाके कोई भी एप्लीकेशन APK फाइल या फिर कोई भी फाइल को आराम से आप भेज सकते हो व्हाट्सएप में। तो काफ़ी सिंपल ट्रिक है और काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, आप भी इसको कोशिश कीजिए। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो उसको दबा दीजिए। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।